हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं निकल रही हूँ जयपुर से दिल्ली के लिए, क्योंकि वहाँ से सुबह 4 बजे मेरी न्यूजीलैंड की फ़्लाइट है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, तो शुरू की जो क्लिप्स है वो विशाल के फ़ोन से शूट की थी। आपको ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में डिफरेंस थोड़ा सा समझ आएगा, तो प्लीज़ बियर विद इट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। बाय बाय घर, कुछ महीनों बाद मिलते हैं। अगस्त में प्रोबेबली इन बिटवीन अगस्त टू नवंबर। वीर और मिंटू को खाना दे दिया है और आज रात का खाना उनका जो है वो हम नेबर्स को देख के आए हैं, तो वो डॉग्स को फीड कर देंगे। सुबह विशाल उनके नेक्स्ट मील के टाइम तक यहाँ पे पहुँच ही जाएंगे। तो अब थोड़ा ये कच्चा रास्ता पार कर लें और अब कहीं नाश्ते के लिए रुकेंगे, फिर मिलते हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं नाश्ता, अभी हम जयपुर में ही हैं। समोसा, कचौड़ी और ब्रेड पकौड़ा हमने लिया है नाश्ते में, और हमने लिया है लस्सी। तो बहुत हैवी नाश्ता, मैं बहुत दिन बात कर रही हूँ, बट इट्स ओके, अब तो निकलना ही है, छुट्टियाँ खत्म, तो अच्छा खासा हैवी खा के फिर यहाँ से निकलते हैं। हमने इतनी भीड़ लगी है क्योंकि यहाँ पे किसी नेताजी की गाड़ी रुकी हुई थी और उन्होंने ये देखो पूरा ट्रैफिक जाम कराया है। ये देखिए वो गाड़ी, और पुलिस के आते ही ये देखिए गाड़ी, और पुलिस के आते ही सारे गायब होने शुरू हो गए। हाईवे जाम किया हुआ है इन्होंने, कैसे लोग हैं, कैसे नेता है। बीच रोड जो है इन्होंने जाम कर रखी है। 15 मिनट से तो हम इसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, थैंक्स टू दिस नेताजी। अब 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे, तो हमने लिया है एक ब्रेक। हावे का नाम होटल हाईवे किंग है और यहाँ पे हम ले रहे हैं तंदूरी आलू प्याज का पराठा, और इसके बाद मैं लूंगी ब्लैक कॉफी और फिर हम यहाँ से आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ हम पहुँच गए हैं न्यू दिल्ली, और रैंडमली हमने बंजारा मार्केट जाने का डिसाइड किया क्योंकि घर तो नया बन ही रहा है, कुछ टाइम बाद इंटीरियर की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमने सोचा मार्केट, सामान और प्राइस का एक आइडिया ले लेते हैं। आई थे तो हमने सोचा कि क्यों नहीं बंजारा मार्केट एक बार एक्सप्लोर कर ली जाए, बहुत सुना है इस मार्केट के बारे में। तो अभी बस इस मार्केट में आए हैं, आई डोंट नो कि हम कुछ खरीदने वाले हैं या नहीं, बट अभी हमें सिर्फ मार्केट का एक आइडिया लेना है। अगर कुछ पसंद आया तो खरीद लेंगे ताकि विशाल यहाँ से वापस लेके जाएं, अदरवाइज जब मैं नेक्स्ट टाइम इंडिया आऊँगी तब इंटीरियर के हिसाब से भी खरीद सकते हैं। तो मार्केट देखते हैं और आपको बताती हूँ कि मुझे ये मार्केट कैसे लगती है। फाउंटेन देखा आपने, उसका शूट किया वीडियो, फाउंटेन का शूट किया, वही मैं बोल रहा हूँ। मेरे को पता भी नहीं कि नेगोशिएट कितने का करना है, और जिस हिसाब से हम नया घर बना रहे हैं मुझे तो बहुत बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही, तो मुझे लग रहा है मैं आधे से ज़्यादा मार्केट ऑलरेडी ले सकती हूँ, और मैं अभी सिर्फ इस मार्केट में एंटर की हूँ। विशाल इज टू एक्साइटेड इन दिस मार्केट। हाँ विशाल, यू आर टू एक्साइटेड हियर। मैंने जूम आउट किए बट ये काफ़ी बड़ी है, तो आप मेरे फुट से आइडिया लगा सकते हैं इसके साइज़ का। ये है 12,000, मुझे काफ़ी पसंद है। उधर एक कांच है शीशा जिसका आई थिंक दाम 18,000 उन्होंने बोला, 5,000 रुपये बॉक्स, 3,000 का ये, 8,500 का है, बट बॉक्स अच्छा लग रहा है। तो व्हाट यू सेइंग इज कि हमें घर के पेंट वगैरह का वेट करना चाहिए, कलर हो जाए फिर हमें पता रहेगा कौन से कलर वॉल के साथ, कौन सा कलर का फर्नीचर या शोपीसेस जाएंगे, कौन से कॉम्बिनेशन, बट आई थिंक यहां पे वुडन जाएंगे या स्टील जाएंगे या जो भी एक्स वाई जेड। हां, बट आई थिंक यहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट शोरूम क्वालिटी है। हां, तो डेफिनेटली, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं यहां पे जो आपको शोरूम्स में मिलती हैं, यू जस्ट नीड टू यू नो एक्सप्लोर इट अ लिटिल बिट, और ऑफ कोर्स नेगोशिएशन तो है ही। काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पे जो रीजनेबल हैं और काफ़ी सारी काफ़ी महंगी भी हैं। तो हम मार्केट का आइडिया लेने आए थे क्योंकि हमें मिक्स्ड रिव्यूज़ मिल रहे थे, व्लॉग्स अलग चीज़ है बट मिक्स्ड रिव्यूज़ मिल रहे थे इस मार्केट के, एंड यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि वी कैन डेफिनेटली यू नो कम हियर अगेन। 25,000 का एक तो ये वाला, एक वो कुर्सी, एक ये टेबल 2 सीटर, और वो छोटा वाला, नहीं वो नहीं, और वो पीछे मंदिर कितने का है, ये आउटर सीटिंग के लिए एक सोफा सेट टाइप लिया है लकड़ी का, जो कि 25,000 में बोल रहे थे बट 15 में लिया हमने, और काफी काफी अच्छा है, तो अभी वो पॉलिश वगैरह कर रहे हैं, प्लस उसके साथ जो
एक साइड टेबल है वो हमने ऐड कराया है, जिसका दाम वो 3,500 से ऊपर का बोल रहे थे और हमने कंबाइन करके 2,000 में करा लिया। तो 4-सीटर लकड़ी का सोफ़ा, एक कॉफ़ी टेबल और एक साइड टेबल हमने लिया है 17,000 में। और इस तरीके के फर्नीचर हमने जयपुर में भी काफ़ी ज़्यादा पता किए थे और उनका जो प्राइस था वो 18,000 से ऊपर का था। दीज ऑटोमन्स, इनकी वैरायटी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका जो क्वालिटी है वो पॉलिथीन के ऊपर से पता नहीं लग रहा, बट काफ़ी अच्छा है। ये इसका क्या दाम है? ये वाला 3,000। मार्केट में शुरू में हमें ऐसा फाउंटेन दिखा था और ये विशाल को बहुत पसंद आया जब रनिंग में था, वहाँ पे 5,000 का समथिंग बोल रहे थे, ऑलरेडी इन्होंने 4,500 का बोला है। अभी हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो ये विशाल को इतना पसंद आया तो आई एम श्योर कि ये तो आज घर जा ही रहा है। सोप डिस्पेंसर, साबुन और आई डोंट नो ये ब्रश वगैरह रखने के लिए जो सेट है, ये 300 रुपये का ये दे रहे हैं यहाँ पे, विच इज़ नॉट बैड। कोई भी कलर, कोई भी वैरायटी, आई होप ये गए मुझे मारे नहीं। भैया ये वाले कप्स कितने के? बड़े वाले मैम चम्मच के साथ है, चम्मच के साथ है, है। हाँ, तो इसका क्या दाम है? इसका 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ पीस। ओके, जिसे सूप बॉल बोल रहे हैं वो एक्चुअली कॉफ़ी के लिए काफ़ी अच्छा लगता है, बट 100 रुपये का थोड़ा महंगा है। अभी लेना नहीं है ये मुझे कटलरी में, सिर्फ बड़े फर्नीचर देख रहे हैं जो इजीली विशाल ले जा पाए। जो छोटी छोटी चीज़ें किचन या पूरे घर में डेकोर के लिए यूज़ होती हैं वो तो मैं जब नेक्स्ट टाइम इंडिया आऊँगी तभी लेकर जाऊँगी। एंड दिस मार्केट इज़ क्वाइट नाइस, तो मेरे को लगता है मैं 50 अलग अलग शोरूम में जाने से बेहतर डेफिनेटली यहाँ पर आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर शोरूम वैरायटी मेरे को ऑलरेडी मिल रही है और नेगोशिएशन के चांसेस भी मिल रहे हैं। सो व्हाई नॉट, एक्चुअली यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करना इज क्वाइट फन। रोल व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज यू स्टार्ट विद 30%। अगर किसी ने आपको 10,000 बोला है तो यू से 3,000, स्टार्ट विद 3,000। आई थिंक द सेम, क्योंकि सेम चीज़ का प्राइस हमें 13,000 से लेकर के 6,000 तक अपने आप बोला गया, सेम साइज सेम रंग। तो जितना भी प्राइस आपसे बोल रहे हैं उसका एटलीस्ट आप 30% बोलिए एंड देन स्टार्ट दी नेगोशिएशन। ने ये रग भी ले लिया है यहाँ पे, उल्टी करके फोल्ड हो रही है अभी, और इस रग का साइज सेम इस रग का साइज है, ये जो बड़ा वाला है विच इज 8x10 feet। तो ये रग हमें पड़ी है 5,500 में और आई थिंक ये अब हमारा आज का लास्ट परचेज है। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जैसा मैंने कहा, मैं नेक्स्ट टाइम जब इंडिया आऊँगी तब आके यहाँ से शॉपिंग करूँगी। ऐसा वाला जो स्टैंड है ये भी एक विशाल ने ले लिया, प्राइस अभी मैंने पूछा नहीं है। ये कितने का मिला है? ये इसके एक जगह 2,500 रुपये मांगे थे, हाँ, यहाँ पे 1,800 मांगे, हाँ, पीछे मैं 1,200 बोल के आया था, इन्होंने 1,290 रुपये में दिया 1,800 बोल के। और इसकी पॉलिश नहीं कराई थी क्या? नहीं, ठीक है ठीक है। अभी मेरे फ़ोन की बैटरी खराब ख़त्म हो गई है, ख़राब नहीं होगी, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, तो अब मुझे वापस से विशाल का फ़ोन यूज़ करना पड़ रहा है फॉर रेस्ट ऑफ द व्लॉगिंग। तो जो हमने शॉपिंग की उसके अलावा ये चेयर का सेट विथ इसका टेबल जो सर्कल वाला पीछे लगा है वो भी हमने 5,000 में लिया है। अगर नया घर है, सारा नया फर्नीचर चाहिए आपको या किसी भी तरह का आउटडोर डेकोर चाहिए तो रफ़ यूज़ के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा, शोरूम क्वालिटी है, तो ऑफकोर्स आप शोरूम में नेगोशिएट नहीं कर सकते, यहाँ पे थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते हैं और थोड़ी बहुत ऑफकोर्स क्वालिटी अगर मिनिमम सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अब विशाल जो है गाड़ी में सामान अपलोड करा रहे हैं, यहाँ से सामान लेते हैं उसके बाद निकलते हैं। फर्नीचर लिया है वो है शॉप नंबर 10 और यहाँ पर अब सारी चीज़ें लोड हो रही हैं। टोटल यहाँ पर कितना खर्चा क्या? टोटल हमने स्पेंड कर दिया 3,000 का सोफा सेट लिया, 5,000 का चेयर सेट लिया, 20,000 और 6,500 का रग है, 5,500 ये हो गया और 1,200 का एक वो स्टैंड लिया 1290 का 1,300 26,500 800 रुपये हो गए अब तक। और हम अनप्लान्ड आए थे यहाँ शॉपिंग के लिए, जेब में 30,000 लेके। करीब शाम के 6 बज रहे हैं, 2-2.5 घंटे हमने यहाँ पे बिताए और आप देख सकते हैं कितना सारा सामान पैक है। अभी जब तक मेरा जो ट्रैवल बैग है वो नहीं निकलता है कार से तब तक थोड़ा सा संभाल के गाड़ी चलानी पड़ेगी, फिर ही कैन एडजस्ट अ लिटिल बिट। मार्केट का आइडिया है वो आपको ऑलरेडी लग गया है, ओवरऑल जो भी प्राइस आपको बताया जा रहा है एटलीस्ट उसका 30-50% के आसपास बोलिए, 40% इज द मैक्सिमम आप बोल सकते हो। हाँ, अगर 10,000 बोले तो आप 4,000 बोलो। हाँ, अभी हमें 13,000 रुपए के रग्स बोले थे और हम लेके आए 5,500 का। हाँ, तो आप डिफरेंस दे सकते हो, इट्स लाइक मोर देन 70% ड्रॉप। फर्नीचर भी है तो 8,500 रुपए मांग के उन्होंने 5,000 में
दो कुर्सी और एक टेबल दे दिया. सो आई मीन इट्स अप टू योर नेगोशिएशन स्किल्स. आई माइट हैव पेड मोर, आई माइट हैव पेड द करेक्ट अमाउंट, बट अगेन आपकी नेगोशिएशन स्किल पे है कि आप मे बी वो 25,000 वाली चीज़ आप 12 में भी लेके आ सकते थे. आई एम नॉट गुड एट नेगोशिएशन. फिर भी मेरे नेचर के हिसाब से मैंने बहुत नेगोशिएट कर दिया. वी आर वेरी हैप्पी विद आवर परचेज. प्लस हमें मार्केट का एक आइडिया लग चुका है. अभी तक हमने सबके व्लॉग्स देखे थे, आज हम खुद इसका जो व्लॉग है वो बना रहे हैं. आज का व्लॉग मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है. हमें थोड़ा टाइम भी किल करना है, फिर हम डिनर करेंगे एंड देन आई विल कैच माई फ्लाइट फॉर न्यूजीलैंड. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.